नमस्कार दोस्तों, रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक की। जानेंगे इस वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है घर बैठे बैठे ऑनलाइन कमाई है, हमें कैसे पासबुक देखनी है, कैसे स्टेटमेंट देखना है ऑनलाइन। और दूसरी चीज हम ये यहाँ पे जानने वाले हैं कैसे हमें पीडीएफ को डाउनलोड करना है, स्टेटमेंट की पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसका पासवर्ड क्या है। सबसे मेन चीज इसका पासवर्ड क्या है, क्योंकि बिना पासवर्ड के पीडीएफ ओपन नहीं होती। तो इसका पूरा सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। मेरा नाम है पंकज और आप रियल बैंकिंग यूट्यूब चैनल, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पे पीएनबी बैंक की जो एप्लीकेशन, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में हमें ओपन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले होम पेज पे आपको एम पासबुक नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो हमें इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं आपसे पूछा जाएगा आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने को, तो हमें अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में तारीख पूछी जाएगी आप कब से कब तक तारीख तक का स्टेटमेंट चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ज्यादातर लगभग एक साल तक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको तारीख सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन जो सबसे नीचे बॉटम में दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, जितने भी स्टेटमेंट में यहाँ पे रेड कलर का आइकन, इसका मतलब आपसे अकाउंट से पैसे गए हैं इतने रुपए, और जहां पे भी ये ग्रीन कलर का आइकन है वहां पे आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। ये ट्रांजेक्शन का यहाँ पे सीधा सा सिस्टम रहता है, अगर किसी को समझ में ना आए सरल भाषा में ये सिस्टम रहता है। और यहाँ पे जितनी भी अमाउंट है वो आपके सामने लिखी रहती है और यहाँ पे आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का आइकन दे रखा, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने पूछा जाएगा आपको पीडीएफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड है वो सबसे बड़ी समस्या है, जिसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे चैनल की तरफ से एक चल रहा है गिवअवे, ये लॉजिटेक कंपनी की तरफ से आने वाला एक कीबोर्ड और माउस, जिसको आप जीत सकते हैं। इसको जीतने के लिए आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके तीन स्टेप है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को दबा कर देना लाइक, कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, और स्टेप नंबर थ्री आपको वीडियो पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए, तब आप इस गिवअवे को जीत पाएंगे। तब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपका नीचे पासवर्ड लिखा रहता है, यहाँ पे मेरा लिखा अकाउंट नंबर, यहाँ पे काफी लोगों का कस्टमर आईडी रहता है, बस ये दो ही रहता है। आप अपनी कस्टमर आईडी डाल के आपका पासवर्ड चेक कर लीजिए। अगर आपका कस्टमर आईडी से आपका पीडीएफ ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कस्टमर आईडी से नहीं हो रहा है तो अकाउंट नंबर से डालिए, मतलब दोनों में से एक ही रहता है पासवर्ड, हमेशा दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं। यहाँ पे अभी मैंने अकाउंट नंबर डाला, मेरा पीडीएफ ओपन हो चुका है। काफी लोगों का, जैसे मेरे खुद के रिलेटिव है, उनके अकाउंट में जब भी मैं यहाँ पे उनको डाउनलोड करके देता हूँ वहां पे उनका कस्टमर आईडी मांगता है। यहाँ पे पासवर्ड सिर्फ दो ही है, या तो फिर आपका कस्टमर आईडी है या फिर आपका अकाउंट नंबर। अब इसको कैसे चेक करना है कस्टमर आईडी कैसे है, तो आपका जो पासबुक रहता है, आपका जो नॉर्मल पासबुक रहता है आपके पास, उसके ऊपर ही आपकी कस्टमर आईडी लिखी रहती है, जहां से आप अपनी कस्टमर आईडी देख सकते हैं। वो कस्टमर आईडी हमें यहां पे फिल अप करनी है, आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो मतलब आपका पासवर्ड का सीधा सा सॉल्यूशन है, कस्टमर आईडी या फिर आपका अकाउंट नंबर, दोनों में से एक आपका यहां पे लग जाएगा। आशा करता हूं जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आप तक मुझे आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।